गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने आवेशों के गुणों के बारे में पढ़ा था, चार गुण थे और किस लास्ट में अपन ने तीन चार क्वेश्चन भी सोल्व कराए थे आवेश के क्वांटिटी क्रम पर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा जो आपको नंबर बताए थे वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आज अपन एक इस पहले चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट नियम पढ़ेंगे, गुलाम का नियम। सुना होगा आपने गुलाम का नियम। तो देखो आज अपन गुलाम का नियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। गुलाम का नियम अपन ने पढ़ा, गुलाम क्या है? आवेश का मात्रक है। वही गुलाम जो आवेश के मात्रक है उसने क्या नियम दिया था, उस नियम के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो गुलाम साहब ने क्या बताया। गुलाम ने कहा एक आवेश Q1 है, बिंदु आवेश है, एक दूसरा आवेश है Q2। ये दो बिंदु आवेश हैं। बिंदु आवेश का मतलब है अगर किसी आवेश की जो विमाएं हैं, किसी आवेश की विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई आयतन उसका जो आकार होते हैं, अगर उसकी विमाएं हैं उनके बीच की दूरी तुलना में क्या हो, कम हो। किसी आवेश की जो विमाएं हैं उनके दो आवेशों के बीच की दूरी तुलना में क्या हो, अगर कम हो, तो ऐसे आवेशों का अपन बिंदु आवेश बोलते हैं। यानी आवेशों के बीच की जो आवेशों की विमाएं हैं उनके बीच की दूरी तुलना में क्या हो, बहुत कम हो, तो ऐसे आवेशों को अपन बिंदु आवेश कह सकते हैं। तो ये Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी अपन मान लेते हैं R है। इनके दूरी कितनी है, R है। तो गुलाम साहब बोलते हैं कि इन आवेशों के बीच में, अपन पढ़ चुके थे कि अगर दोनों आवेश प्लस प्लस हैं, अपन बताया था दोनों आवेश अगर प्लस प्लस हैं तो क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। पढ़ाया था अपन पहले मूल स्थिर विद्युत मूल सिद्धांत में, अगर दोनों आवेश माइनस माइनस हैं तो भी क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर एक आवेश प्लस है दूसरा आवेश क्या है माइनस है तो इनके बीच क्या लगता है, आकर्षण लगता है। ये अपन ने बताया था आकर्षण पर। तो ये तो अपन पहले बताते हैं आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, लेकिन गुलाम साहब बताता है उसका परिमाण कि कितना होगा इसका परिमाण। आकर्षण प्रतिकर्षण तो होगा कि प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, माइनस माइनस तो भी प्रतिकर्षण हो जाएगा, और प्लस माइनस है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो उस आकर्षण प्रतिकर्षण का जो मान है वो कितना होगा, तो गुलाम साहब बोलते हैं कि किस दो बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसका जो परिमाण है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, Q1 Q2 के गुणनफल, और ये किसका चिन्ह है, समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है, ये दोनों के बीच की जो दूरी है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण। आकर्षण प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो दोनों को अपन साथ लिखें तो आपके पास हो गया F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह को उठाएंगे तो एक नियतांक आएगा, वो नियतांक यहाँ पर आ गया K। तो फॉर्मूला बन गया है बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा अपन दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ जो K है, यहाँ पर K एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, जिसको गुलाम का समानुपातिक नियतांक भी कहते हैं। तो देखो इस पूरे नियम को दोबारा समझो आराम से कथन से। गुलाम का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, ये क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, और बिंदु आवेश के बारे में नहीं बताया था, दोनों क्या होना चाहिए, स्थिर बिंदु आवेश। यानी गुलाम का नियम जो है वो स्थिर आवेशों के बीच ही लगेगा। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण,
लगने वाला आकर्षण या प्रतिक्षण बल का जो मान है या परिमाण है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को अपन बोलते हैं कूलम्ब का नियम। समझ में आया होगा, दोबारा देख लो कि कूलम्ब का नियम क्या है। ये आपके पास में Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थिर हैं। गतिशील रूप में नहीं लगता कूलम्ब का नियम, स्थिर रूप में लगेगा। तो Q1 Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, दूरी कितनी है r है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो कितने बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे, वो बल इस सूत्र के द्वारा अपन को ज्ञात होगा जो बताया था कूलम्ब आवेश कूलम्ब का नियम बोलते हैं। तो देखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को साथ लिखें तो F समानुपाती Q1 Q2 r2, समानुपाती उठाते हैं तब क्या आता है, एक नियतांक आता है, नियतांक आ गया K, इसके कोई समानुपातिक नियतांक बोलते हैं। तो ये आपके पास में कूलम्ब का नियम हुआ। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो लगने वाला जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल है उसकी जो दिशा होगी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। क्या होगी कि ये तो परिमाण हो गया, लेकिन दिशा के दौरान क्योंकि बल सदिश राशि है तो दिशा क्या होगी, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी इनकी दिशा। अगर आकर्षण हो रहा है तो इस प्रकार से, प्रतिक्रमण तो इस प्रकार से हो जाएगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। आकर्षण है तो ये दूसरे तरफ हो जाएंगे, प्रतिक्रमण है तो इस प्रकार से विपरीत चले जाएंगे। तो ये तो हो गया, और साथ ही साथ इनके बीच जो माध्यम है उस पर भी डिपेंड करेगा कि किस माध्यम में रखे हुए हैं, माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। एक तो मिलाने वाले रेखा का अनुदिश होता है और माध्यम कैसा है, हवा है, निर्वात है या अन्य कोई माध्यम है, तो उस माध्यम की प्रकृति पर इसका मान निर्भर करता है। तो ये के जो है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा और मात्र पद्धति पर डिपेंड करता है। इसका आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन ये कूलम्ब का नियम समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। देखो, अब कूलम्ब का नियम जो अभी पढ़ा इसको थोड़ा सा अपन और आगे पढ़ते हैं। जो नियतांक आया है यहाँ पर, इस नियतांक की बात करते हैं। देखो, जो F बराबर के Q1 Q2 r2, ये कूलम्ब के नियम से जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले में जो K है जिसको अपन समानुपातिक नियतांक बोलते हैं, जो K समानुपातिक नियतांक है, इस नियतांक का जो मान है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो मात्रक पद्धति पर डिपेंड करता है कि मात्रक पद्धति कौन सी है, MKS है, CGS है, और दूसरा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो देखो, पहले अपन जैसे ऐसे पद्धति में पढ़ें, ऐसे पद्धति यानी MKS पद्धति होगी, ऐसे पद्धति में जो K है वो होता है, और ऐसे पद्धति है और माध्यम अपन निर्वात ले लेते हैं, निर्वात या हवा ले लेते हैं, हवा निर्वात के लिए लगभग सेम होता है। तो ऐसे पद्धति है और माध्यम क्या है, निर्वात या हवा है, तो समय के है वो होता है 1/4π0। ये जो साइन है इसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन, और ये जो जीरो लगा इसको नोट बोलते हैं, जीरो बोल सकते हो, एप्सिलॉन नोट है ये, एप्सिलॉन नोट। क्या है ये, जैसे कैसे लिखते हैं इसको, सी लिख दो और बीच में डंडा खेल दो, ये नहीं है, ये सी लिखो और बीच में डंडा खेल दो, ये अब साइलेंट नोट है। तो निर्वात में ऐसे पद्धति में जो के है वो 1/4π0 होता है, और इसका संख्यात्मक मान होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसका मात्र बताएंगे कैसा है इसका मात्रक, तो K का जो मान है वो 9×10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg², ये ऐसे पद्धति और में निर्वात और हवा के लिए है, ये एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात या
हवा की विद्युतशीलता है, ये निर्वात हवा की विद्युतशीलता है। क्या है ये? निर्वात हवा की विद्युतशीलता है, जिसका मान, इसका जो मान होता है वो होता है 8.854 × 10^-12, और इसका जो मात्रक है वो के मात्रक का जस्ट उल्टा होता है, तो ऊपर कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मान और मात्रक हो गया। मात्रक इसका मात्रक इसके जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि ये अपॉन में है तो इसका उल्टा मात्रक हो गया। तो इसका मान, उसका मान आपको ध्यान रखना है। सीजस पद्धति, एमकेएस पद्धति में है या ऐसे पद्धति में है, के बराबर इतना होता है। अगर आपके पास सीजस पद्धति है, अगर सीजस पद्धति है आपके पास में, तो सीजस पद्धति में के का मान एक होगा। क्या होगा? के का मान एक होगा। न्यूटन के स्थान पर क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन बल एमकेएस में है, सीजस में डाइन होता है। मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर हो जाएगा, और कूलम के स्थान पर स्टेट कूलम हो जाएगा। तो सीजस पद्धति में इसका मान कितना होता है? एक। या अपने को ज़्यादा काम के नहीं है, अपने काम की चीज़ है, ऐसे पद्धति में ध्यान रखना। 9 × 10^9 न्यूटन टू मीटर स्क्वायर पर के पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ जो एप्सिलॉन है, इसका मान होता है 8.854 × 10^-12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन टू मीटर स्क्वायर। इसका मात्रा जस्ट इसके मात्रा के इनवर्स होता है, यह आपको ध्यान रखना है। बताएंगे कि आया कैसे, अपन बता देंगे। ये तो निर्वात के लिए है। अगर आपके पास कोई माध्यम है तो उस कंडीशन में देखो, ये निर्वात के लिए है। अगर आपके पास कोई माध्यम है तो उस समय के का मान क्या होगा वो और देख लो। अगर आपके पास माध्यम है तो माध्यम में जो के है वो होगा 1/4π एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है। पहले क्या था? एप्सिलॉन नॉट था, और ये है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन होगा। और एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। तो इसका अपन लिख सकते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब जो एप्सिलॉन नॉट अपन बता दिया क्या होता है, निर्वात विशीलता होती है, ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होते हैं, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। ऑप्शन क्या होते हैं? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। और एक आया आपके पास में यहां पर एप्सिलॉन आर, ये माध्यम की सापेक्ष या सापेक्षिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता है। ये तीन चीज होगी। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता थी, एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, और एप्सिलॉन आर के माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता है। इसको अपन माध्यम का परावैद्युतांक भी बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक भी बोलते हैं। अगला टॉपिक जो है ये आएगा अपने, माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं। अब इसका जो मान है, इसका जो मान है वो माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है ऑप्शन आर का मान। जैसे हवा के लिए इसका मान लगभग, हवा निर्वात के इसका मान लगभग कितना होता है? एक होता है। इसलिए हवा निर्वात के लिए आप इसका मान एक, और बाकी के लिए एक से अधिक होता है, एक से अधिक। पानी के लिए इसका मान लगभग 80 होता है, पानी के लिए इसका मान 80 होता है। तो अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यहाँ पर भी जो है के का मान क्या आएगा? अलग अलग आएगा, क्योंकि निर्वात के लिए तो निर्वात हवा इसका मान एक होता है, तो निर्वात के लिए इसका मान एक होने से क्या आ गया? 1/4 ऑप्शन नोट आ गया, जो बताया था। लेकिन माध्यम के लिए के का मान इतना होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये अपन ने के अलग अलग बताया कि के का मान एक तो मात्र पद्धति पर डिपेंड करता है, के एम के एस में है सीजीएस में, दूसरा डिपेंड करता है माध्यम की प्रकृति पर। तो माध्यम प्रकृति के अनुसार मान अलग अलग होता है। जहाँ से तीन चीज़ें आई, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट निर्वात विद्युतशीलता थी, जिसका मान 8.854 × 10^-12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, जो अपन बताया है। और एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन आर माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता है। इसका मान माध्यम डिपेंड करता है, तो इसका मान डिपेंड करता है, इसका मान माध्यम के अनुसार परिवर्तित होता रहेगा। अब देखो,
ये अपन ने केक के बारे में बताया, अभी अपन इस केक का मात्र निकालना सिखाते हैं और विभिन्न सूत्र निकालना सिखा देते हैं, फिर ऑप्शन नोट का मात्र विभिन्न सूत्र भी आपको आ जाएगा। देखो पहले अपन के का मात्रक व वी में सूत्र सिखाते हैं कि के का मात्रक व वी में सूत्र कैसे निकलेगा देखते हैं। देखो के जो एक कूलाम के नियम में समानुपाती नियतांक है, कूलाम का समानुपाती नियतांक इसका मात्रक। देखो अभी अपन ने पढ़ा, चूंकि f बराबर क्या होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां से अपन इस फॉर्मूले को चेंज करें, किस फॉर्मूले को k के रूप में लिखें, तो k बराबर कितना हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर गुणा चलाएगी और अपॉन में आ गया क्यू वन क्यू टू। तो यहां से इसका मात्रक ऐसा ही मात्र की मैं बात करूँ, इसका ऐसा जो मात्रक है यहाँ से बल एफ बल है, एफ बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, न्यूटन कर दिया, गुणा है तो गुणा लगा दिया, आर दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर है, स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, अपोन में क्या है कूलाम, दो आवेश हैं क्यू वन क्यू टू, तो आवेश का मतलब कूलाम होता है, तो दो है तो क्या हो गया कूलाम का स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपोन कूलाम स्क्वायर, शॉर्ट में लिखें न्यूटन को एन से, मीटर को एम स्क्वायर से और कूलाम स्क्वायर, ये अपन ने उसके मान में लिखा था। तो इस प्रकार इसका क्या आ गया मात्रक आ गया। अब बात करें वी में सूत्र की, इसका वी में सूत्र देखो एंड एन क्या है न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक बल का, और बल का जो वी सूत्र होता है वो होता है एम वन एल वन टी माइनस टू, ये बल के लिए, गुणा मीटर दूरी है, दूरी के लिए क्या आ गया एल, दो है तो एल टू, बटे में कूलाम का मैंने ए वन टी वन, ये कूलाम का आ गया, कूलाम अपन ने बताया था आवेश, आवेश होता है धारा गुणा समय, धारा मूल भौतिक राशि है तो इसलिए ए आ गया, समय के लिए आ गया टी, तो आवेश के लिए कितना आ गया ए टी यानी ए वन टी वन, तो ए वन टी वन दो अंत स्क्वायर कर दिया अपन ने। अब इसको देखो सोल्व कर कितने आ गए एम, पूरे में एक ही है तो एम की घात एक, एल देखो एक ये रहा दो ये रहे कितने हो गए तीन, एल की घात तीन, टी माइनस के दो, दो ये रहे ऊपर के तो माइनस के हो गए टी की घात माइनस चार, और ये ए की घात दो है बटे में ऊपर के तो क्या हो गए माइनस ए की घात माइनस दो, ये इसका क्या आ गया वी में सूत्र आ गया, ये बल के लिए आ गया, ये दूरी के लिए आ गया, ये आवेश के लिए आ गया, और गुणनफल सुलभ करके आपके पास m1 l3 t माइनस फोर ए माइनस टू, ये k का मात्रक और v में सूत्र आया है। अब देखो अपसलन और अपसलन नोट का अपन मात्रक और व्युत्पन्न निकालेंगे, देखो वो कैसे निकालते हैं। दोनों का सेम आएंगे अपसलन नोट और अपसलन के, देखो अपसलन नोट तथा अपसलन दोनों के सेम आएंगे, क्यों आएंगे बताएंगे कि मात्रक व वी में सूत्र, इन दोनों के मात्रक देखो निर्वात के लिए, जब निर्वात आपके लिए निर्वात या हवा उस समय के बराबर होता है वन अपॉन फोर पाई अपसलन नोट, और अगर माध्यम है आपके लिए तब के बराबर होता है वन अपॉन फोर पाई ओनली एप्सिलॉन, तो निर्वात के लिए जो के है वो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, माध्यम के लिए के बराबर होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, वन अपॉन फोर पाई का कोई मात्रक विस्तार नहीं होता है, तो इसका मतलब हो गया एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन के जो मात्रक हैं वो के मात्रक के जस्ट विपरीत आएंगे, तो यहाँ से आपके पास और दोनों के सेम ही आएंगे, तो यहाँ से इसका जो मात्रक है किसका मात्रक अपसलन नोट तथा अपसलन वो के जस्ट उल्टे आए जाएंगे, और के का अभी मैंने सिखाया था के का क्या है था के का जो मात्रक वो क्या है था न्यूटन इंटू
मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो इसका जो है वो स्प्लिट आ जाएगा, बट्टे वाली चीज ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाले नीचे, तो क्या हो गया कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आ गया। इसका निकालना सीख गया तो इसका जस्ट उल्टा कर दो। रही बात वी में सूत्र की, तो जो वी में सूत्र है वो भी उल्टा हो जाएगा। के का जो वी में सूत्र था क्या था, अभी निकाला था एम वन एल थ्री टी माइनस फोर ए माइनस टू, ये के का वी में सूत्र था। तो इनका वी में सूत्र क्या हो जाएगा उल्टा, उल्टा का मतलब जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाले प्लस, तो ये आ गया एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू, ये इसका मात्रक व वी में सूत्र आ गया। तो अपसरण नोट और अपसरण के जो मात्रक और वी सूत्र वो बिल्कुल समान होते हैं, और इनका जो मात्रक और विम सूत्र जो है वो समानुपातिक के जस्ट विपरीत होते हैं। तो के का आपको निकालना आ गया तो इसका जस्ट उल्टा करना है, चाहे वो मात्रक हो चाहे वो विम सूत्र हो। विपरीत का मतलब है मात्रक में बड्डे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे, और विम सूत्र में जो प्लस में है वो माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे। तो ये अपने अपसरण नोट अपसरण और के मात्रक और विम सूत्र पढ़े, और गुलाम के नियम के बारे में पढ़ा अपन ने। अब देखो एक क्वेश्चन करा देते हैं गुलाम के नियम पर, एक क्वेश्चन देखो गुलाम के नियम पर, फिर अपन इस क्लास को ऑफ करते हैं, बाकी चीज कल बताएंगे। देखो क्वेश्चन देखने गुलाम के नियम पर, अपन कहेंगे दो आवेश हैं जैसे 2 माइक्रोकुलाम तथा 3 माइक्रोकुलाम के दो आवेश हैं, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम के दो आवेश हैं जो कितनी दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर। यहाँ ना निर्वात कहा ना आपको माध्यम कहा, तो कुछ नहीं कहते, इसका मतलब निर्वात या हवा के लिए ही होता है स्थित हैं। तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करो, इनके लगने वाला आपको विद्युत बल ज्ञात करना है कि दो आवेश हैं, एक 2 माइक्रोकूलम का एक 3 माइक्रोकूलम का, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखें तो उनके कितना बल लगेगा वो आपको ज्ञात करना है। अब विद्युत बल का मतलब जो स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश अपन बताया, स्थिर आवेश पर लगने वाला जो बल है उसको विद्युत बल या कूलाम बल बोलते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्थिर आवेश लगने वाला जो बल है वो विद्युत बल या कूलाम बल कहलाता है। तो इसके बारे में आपको पूछा है, देखो इसका जो सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे, आपको गिवन डेट दे रखा है, ये पहला आवेश हो गया इसको Q1 मान लो, तो 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम मान लो क्या 2 × 10⁻⁶ कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलाम में 10⁻⁶ कूलाम होते हैं। Q2 बराबर 3 माइक्रोकूलाम, तो ये हो गया 3 × 10⁻⁶ कूलाम। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कूलाम माइक्रोकूलाम या नैनोकूलाम या पिकोकूलाम जो भी है उसको कूलाम में परिवर्तित करना है, और दूरी को आपको मीटर में बदलना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आंकी प्रश्न हमेशा एम के से ऐसे पद्धति में सोल्व करना है। ये दोनों के मान लिख दिए, आर का मान आपको दे रखा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 30 × 10⁻²⁰ मीटर, 100 का भाग दे दिया तो मीटर में बदल गया, तो 30 सेंटीमीटर मतलब होगा 30 × 10⁻²⁰ मीटर। ये सब चीज़ें आपको दे रखी है। अब एक चीज़ की अपन को यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, वो आपको खुद पता होना चाहिए, जब पढ़ाए पाने के समानुपातनीयतांक के, और निर्वात के लिए कुछ लिखा, तो निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये के का मान हो गया। Q1 Q2 और R का मान देखा, के का मान आपको पता होना चाहिए। अब देखो सूत्र में बताया था क्या होता है कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से जो सूत्र पता है बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सारे मान आपके हैं कि नहीं है, के का मान आपको पता होना चाहिए, बाकी मान दे रखे हैं। तो देखो एफ बराबर क्या आएगा, के का मान रखो 9 × 10⁹, Q1 का मान 2 × 10⁻⁶, Q2 का मान 3 × 10⁻⁶, बटे में क्या है आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 30 × 10⁻²,
तो दो बार लिखना 30 गुणा 10 की घात माइनस 2, 30 गुणा 10 की घात माइनस 2, ये अपन ने मान रख दी। अब देखो ये जीरो इन दो जीरो से कट गए माइनस के, और तीन तीय 9, तो ये 9 इससे कट गए, तो या ऐसे लिखा दो मैं इसको, देखो नीचे ये हो गया 9 गुणा 10 की घात, ये हो गए 12 माइनस के, ये माइनस के 12, ये इतने तो 10 की घात माइनस के 3, और ये हो गए 6, तो 9 गुणा 6 10 की घात माइनस 3, देखो 9 आ गए, ये इसमें कम हो गए 10 की घात माइनस 3, और 3 दूनी 6 बटे में, ये 10 की घात माइनस 2 है, 10 की घात प्लस के 2 ये हो गए कट गए, तो ये 3 3 है 9, और ये बस गया 10 की घात माइनस 2, 9 से 9 कट गया, तो ए बराबर 10 की घात माइनस 2 ऊपर के तो प्लस के हो गए, तो ये आपके पास आ गया 6 गुणा 10 की घात माइनस 1, या ऐसे कहूँ 0.6 न्यूटन 0.6 न्यूटन बल लगेगा। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 3 9 ये कट गए, 10 की घात ऊपर गए तो प्लस के, सही, इस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको सूत्र पता है तो आप आराम से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यह आज अपन ने कुलाम का नियम के बारे में बताया, एक दो क्वेश्चन भी सोल्व कराए, तो इसको पढ़ लेना, नोट्स आपको व्हाट्सएप के द्वारा मिल जाएंगे, कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।